प्रिवेंटिव डिटेंशन इतनी बार आया ये टॉपिक कि मैं आपको बता नहीं सकता, और जो टॉपिक रिपीटेड होते हैं वो टॉपिक काफी काम के होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक सीरियस इन्वेजन एक पर्सन की लिबर्टी के ऊपर, हम जानते ही हैं भाई, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर एक गंभीर आक्रमण है। भाई आप सोचो, आपने कुछ किया नहीं है, आपको पुलिस आके उठा ले जाए, वैसे आपको कभी नहीं उठा के ले जाएगी, राइट? ठीक है, एक तो मैं अपने छोटे भाई से परेशान हूं, वो क्या करता है, अभी उसका एक मैसेज आया, ओटीपी देना है यार, हर 3-4 दिन में ओटीपी मांगता है, कभी Z5 का, कभी प्राइम का, कभी वूट का, कभी इसका, कभी उसका, हर 5-6 दिन में वो ओटीपी लेना। अपने फोन पे नहीं चलाता वो, मैं उसको बोलता हूँ भाई फोन पे डाउनलोड कर ले, मेरे को बड़ी स्क्रीन पे देखना है, मेरे को टीवी पे देखना है, मेरे को लैपटॉप पे देखना है, ब्राउजर पे देखता है भाई, परेशान मैं होता हूँ। अब क्लास ले रहा हूँ, ओटीपी देना लिखा हुआ है, गुस्सा आ रही है मेरे को, क्या बताएं भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखो प्रिवेंट, आपको अगर अचानक से बिना किसी क्राइम आपने किया भी नहीं, आप खड़े भी नहीं, आपको उठा के पुलिस ले जाए, फिर भाई मेरे को ले गई थी, दिमाग का दही हो गया था। हालांकि हाँ मेरी संगति खराब थी, वो कहते ना घर वाले समझाते हैं कि संगति खराब नहीं होनी चाहिए। एक इंसान को मैं तो मानता हूँ कि हर स्पेयर में घूमना आना चाहिए, जिस इंसान ने जिंदगी का सच देख लिया ना हर तरीके से, वो हर चीज में सक्सेसफुल बनेगा, हर चीज में। क्योंकि देखो अल्टीमेटली एक बात समझना, एक बात आपने भी देखी होगी, जो बच्चे स्टार्टिंग में ज्यादा पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं ना, मैं ये 100% बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 90% बात कर रहा हूँ, 10% वैसे ही रहेंगे। जो बहुत पढ़ंकू होते हैं ना, ये कॉलेज वॉलेज में जाने के बाद सब बिगड़ जाते हैं और भयानक बिगड़ते हैं, उनकी 30,000 रुपये 20,000 रुपये की भी जॉब नहीं लगती। और देखिएगा जो कम पढ़ा लिखा होता है, राइट, बट वो हाँ उसको दुनिया का अच्छा ज्ञान होता है, तो आगे चल के कुछ ना कुछ वो कर ही लेता है। तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि अगर आपके परसेंटेज कम है, राइट, अगर आप फेल हुए हो, तो कभी ये मत सोचना कि सिविल सर्विसेज आपके लिए नहीं बना। देखो यार, कल एक स्टूडेंट मतलब मेरे पास आई थी, उनकी फैमिली आई थी, तो उन्होंने एक बात कही कि सर कहाँ यूपीएससी, अपन तो छोटा मोटा एग्जाम जो है वो देख लेते हैं सर, लड़की की प्रिपरेशन जो है वो कहाँ यूपीएससी के लिए आप बोल रहे हो, आप तो ये इसकी छोटे एक वन डे एग्जाम की करवा दीजिए, मेरी बच्ची जो है वो बहुत ही बिलो एवरेज है सर। मैंने कहा देखिए मैम, पहली चीज़ तो मैं आपको बोल दूँ, आप अपनी अपने मुँह से ही अपनी बच्ची को बिलो एवरेज बना रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैंने मुँह पे बोला अपन क्यों डरे किसी से भाई, देखो अपना उसूल है, जिसको आना है मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं आना है कोई बात नहीं, वी नॉट फोर्सिंग एनीवन कि हाँ हम उससे आगे पढ़ो, बट हाँ अगर पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ो यार, फिर बेईमानी करने की जरूरत नहीं, और पढ़ रहे हो तो सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ो, उसके अलावा ये नहीं कि यार अपन पढ़ लेते हैं देखेंगे जो होगा, नहीं, 1 से 1.5 साल तक कड़ी मेहनत करके एग्जाम क्रैक करना है, दैट्स इट, सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। Are you getting it? तो ये चीज है भाई। So, जानते हो आप पर्सनल लिबर्टी के ऊपर खतरा है, किसी को भी कोई पुलिस बिना क्राइम किए अगर उठा ले तो इट इज डिफिकल्ट, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। तो इसके थ्रू क्या होता है, एक व्यक्ति को 180 दिन तक बिना जज के सामने प्रस्तुत किए, पेश किए, उसको बंद कर दिया जाता है। हमारे पास आर्टिकल 22 के तहत रूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक कैदी को जो है वो जज के सामने प्रस्तुत किया जाए, बट 180 दिन जज के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो क्या होगा ऐसे में, तो और इसका गलत उपयोग हो ही रहा है, रूलिंग पार्टी यूज करती है अपोजिशन पार्टी के ऊपर, ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा गया था 2021 में, 1 लाख कितना बड़ा आंकड़ा होता है सोचो आप, राइट। अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का 1982 का केस था, उसमें कहा गया प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डिवाइस्ड टू अफोर्ड प्रोटेक्शन टू द सोसाइटी, कि हाँ भाई निवारक निरोध समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया, ये बात बिल्कुल सही है भाई। देखो तो जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं ना, द पीपल Those have a criminal record, a
और कंटिन्यूअस हिस्ट्री शीटर, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूअस है भाई उनका रिकॉर्ड, राइट, कि कंटिन्यू देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई ये तो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उनको पकड़ो तो समझ में आए भाई एक बंदा जिसने चीटी तक नहीं मारी हो, जिसने किसी को अबे तुबे क्या बोला ना हो, उसको तुम बंद कर दे रहे हो यार, ये तो गलत है ना। वो इसलिए बंद कर दे रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारे खिलाफ एक अपील कर दी, एक आवाज उठा दी, सच्चाई दिखा दी तुम्हें। तो देखो सोचो आप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम में इतनी पावर है, किसी को भी उठा के 180 दिन के लिए बंद कर सकते हो। तो निकालना खुन्नक जितनी निकालना हो, मैं गलत काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ 180 दिन तो नहीं, आधे दिन के लिए तो पिटवा सकते हो, चार लाठियां तो पड़वा सकते हो, करवाना। मैं तो कहता हूँ जिसने आपके साथ गलत किया आपने सक्सेसफुल हो, बट मैं एक और बात कहूंगा, मैं सिर्फ आपके अंदर जोश के लिए ये चीज बोल रहा हूँ कि पिटवा देना, क्योंकि आज की डेट में आपके अंदर जोश आएगा, अरे मैं तो उसकी ऐसी की तैसी लाल करवा दूंगा, उसका पीछे वाला हिस्सा इतना पड़वाऊंगा डंडे ही डंडे, ऐसी की बताऊंगा मैं उसको ऐसा वैसा, तो अभी मजा आएगा, इसलिए आप प्रिपरेशन करोगे। बट द फैक्ट इज व्हेन यू गेट सिलेक्टेड ना, जो अंदर सुकून मिलेगा जिसने आपके साथ जितना भी बुरा किया हो ना, वहीं के वहीं पानी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप इतने पावरफुल बन चुके होगे उस दिन, उस दिन जिस दिन लिस्ट के सामने नाम आएगा, आया है दिस दिस बिकेम एन आईएएस ऑफिसर, आया मतलब रोल नंबर लिखा है आपने, सर्च किया रोल नंबर, अरे बाप रे ये तो रोल नंबर बिल्कुल मैच हो गया, उसके सामने आपका नाम रैंक वन, आया है क्या खुशी। 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर अंदर आपके घर के सामने मीडिया कवरेज, उस दिन क्या किसी ने आपके साथ गलत किया होगा, क्या सोचोगे, बोलोगे माफ किया जा, क्योंकि पता है जिसने आपके साथ गलत किया, जिस दिन रैंक पर नेक्स्ट डे पेपर में फोटो देखेगा ना, उस दिन से उसकी हालत टाइट, उस दिन वो हर दिन डरेगा, यही तो मजा है, समझे। तो ऑब्जेक्ट इज नॉट टू पनिश अ मैन फॉर हैविंग डन समथिंग, बट टू इंटरसेप्ट बिफोर ही डज इट एंड टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग इट। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का पता है आपको, जानते हो आप उसको कि एक व्यक्ति को रोकना, प्रिवेंटिव डिटेंशन की वो क्राइम ना कर ले इसलिए उसको रोकना। फिर एक राम मनोहर लोहिया का केस था, ओनली द मोस्ट सीवियर ऑफ द एक्ट शुड जस्टिफाई प्रिवेंटिव डिटेंशन की, भाई मोस्ट सीवियर एक्ट है उसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लाया जाए, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्यों बंद किया भाई आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू, अरे वो यहाँ पे चोरी हुई थी, जेब कतरा हुआ था, मतलब यानी कि एक का पर्स लूट लिया था, उसमें 20 रुपए थे, इसलिए इनको बंद कर दिया कि आगे चल के दूसरों के और 20 रुपए ना लूटे। भैया अजीब अजीब केस होते हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, पुलिस वालों के पास इतनी पावर होती है, मतलब छोटे मोटे पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ अभी, आप IPS बनोगे, बाप बनोगे सबके, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पावर। छोटे मोटे जो हवलदार होते हैं ना, देखो पहली कोई पोस्ट, देखो कोई आदमी छोटा नहीं होता, मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ, राइट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू नो मी कि मैं किसी को भी छोटा नहीं मानता हूँ। पोस्ट तो व्यक्ति जो पोस्ट पे है उसके पास इतनी पावर होती है, किसी को लट भी मार सकता है, बट भगे है ना, बट ऐसा, बट वो किन को मारेगा एक और चीज है, जो आदमी सूट बूट पहन के BMW में आया उसको तो लेटर नहीं मार पाएगा वो, क्योंकि उसने ये गलती कर ली तो वो जो BMW वाला होगा उसकी 12 बजा देगा, उसको वर्दी निकलवा देगा, वो उनको मारते हैं लेट जो बेचारे होते हैं, क्योंकि हर एक पावरफुल आदमी छुटकू लोगों के सामने, मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, जो नया नया जब आती ना पावर एकदम किसी के पास, जो बिना मेहनत की वाली पावर, कई बार देखो मैं ये नहीं कहता कि हवलदार की नौकरी में मेहनत नहीं, बहुत मेहनत है भाई, हर नौकरी में मेहनत है, बट द पॉइंट इज मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने करप्शन के लिए सर्विस ज्वाइन करी है, तो दे डू नॉट सर्व द नेशन, दे ओनली सर्व देमसेल्फ, दे हैव ज्वाइंड द ड्यूटी जस्ट बिकॉज कि हाँ यार अपन को तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, दिन के अगर 500 रुपये भी अपने निकाल लिए तो मस्त ऐश है जिंदगी में, अलग से सैलरी तो आ ही रही है, खर्चा निकाल लिया अपन ने डेली का। तो ऐसे माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, ये कमजोरों को दबाते हैं, एंड व्हेन यू गाइस बिकम एन IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर,
आपके माइंड में कभी नहीं आया कमजोर को दबाओ, आप तो खुद ही छोड़ दोगे कि चल जाए यार छोड़। किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, अरे सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है जाओ, ऐसे थोड़ा नहीं क्या उतर गया भाई तेरी अभी, ये फट 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 मारना शुरू सामने, नहीं। यू गाइज आर प्रोफेशनल, यू गाइज आर ब्यूरोक्रेट्स, समझे। तो ऑब्जेक्टिव नॉट टू पनिश अ मैन, ये चीज मैंने आपको राम राम लोहिया में भी मैंने आपको बता दिया, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 इस क्लॉज 2 इसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो ये प्रोटेक्शन देती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट, बस ये, बट ये प्रोटेक्शन जो है नॉट अवेलेबल टू पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में भी क्लियर लिखा हुआ है कि भाई किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के थ्रू, तो कोई ऐसी परमिशन नहीं कि वो व्यक्ति अपना लॉयर कर सके, कुछ कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर मस्ट बी अ लाइव एंड प्रॉक्सीमेट लिंक राइट बिटवीन द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, की भाई क्यों पकड़ा और पर्पस क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदे ने चीटी तक नहीं मारी और उसको तुमने अरेस्ट कर लिया, राइट। कितनी बढ़िया बात बोली है।